का बहुत अच्छा खाना मिला, अब तो समय हमारा भी थोड़ा बदला है, खाना होना अच्छा मिलता है जहां जाते हैं, इसलिए आप सब लोग सुन लीजिए, बुलंदी से तैयार हो जाइए, डर भय मन में निकाल दीजिए। हम आए थे आपको कि प्रधान सचिव एक चिट्ठी निकाल दिए कि छुट्टी कैंसिल। देखिए छुट्टी कैंसिल करने का किसी को राइट नहीं है, हड़ताल में जाना हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हम अपने कॉलम में हड़ताल लिख के जा रहे हैं, भाई आप कौन सा छुट्टी कैंसिल कर रहे हैं, हड़ताल लिखेगा उस दिन का वेतन कटेगा। नाक रगड़ के जैसे आप 43 दिन का हमारे हड़ताल का समंजन किए थे, उस दिन 5 सितंबर के भी हड़ताल का आपको समंजन करना होगा। यह नियोजित शिक्षक है वह सर्वाक रहेगा, इसलिए किसी की भी बहकावे में नहीं रहिए। गांधी मैदान नहीं दिया, बैठक चल रही है, वहां आपके राज्य के महासचिव बैठक में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक दो घंटे के बाद आ जाएगा कि गांधी मैदान नहीं दिया तो आगे का क्या रूप, हड़बड़ाना नहीं है। मेरा एकदम एक साफ मकसद है, आपको बता देते हैं कि समन्वय समिति में हम रहेंगे, राजनीति में नहीं पड़ेंगे। आपके यहां कुछ नेता है संयोजक बनने के लिए, एक वो अध्यक्ष है उसके बाद संयोजक बनने के लिए समन्वय समिति को तोड़ दिया, अरे क्या मतलब है। आनंद कौशल से ज्यादा तुरा प्यार मिलता है शिक्षक का, हम चाहे तो आज के आज समन्वय समिति के संयोजक बनने से क्या 9300 का वेतनमान मिल जाएगा। अरे पुराने शिक्षक अगर हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हम सरकार को यह संदेश दे रहे हैं कि नियमित और नियोजित एक साथ हो गए हैं यह वेतनमान की लड़ाई में, बिहार का सभी संगठन एक साथ हो गया है, तो यह लोग खंडित करना चाह रहा है सरकार को जो संदेश, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना होगा। जो कोई भी हमारे इस लड़ाई के रास्ते में बाधा उत्पन्न करेगा, चाहे वह आनंद कौशल हो या कोई और आदमी, उसको रास्ते से हटा देना है या संकल्प लेके चलना होगा आपको। ये दोस्ती करने का समय नहीं है, अगर हम भी रास्ते से भटक जाए तो दूध के मक्खी के जैसा निकाल के फेंक दीजिए और आगे बढ़ते चलिए। यहाँ पर किसी के भी गलत काम करने का किसी को भी इजाजत नहीं मिलना चाहिए। इस संकल्प के साथ हम लोग को बढ़ना है और आप लोग को भी जाना है, बहुत कुछ बोलेंगे नहीं। मोतिहारी का एकता बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, हमको मोतिहारी से बहुत प्रेम और स्नेह मिलता है, यहाँ से हमको बहुत। आपके जिला अध्यक्ष जब हम गिरफ्तार हो रहे थे तो मेरा पीछा पकड़ लिए, उनका हाथ झटकार के, प्रकाश जी का हाथ झटकार के, ऐसे कई जिला अध्यक्ष जो मेरे साथ गिरफ्तार होने के लिए बेचैन थे, बोले अरे हम जा रहे हैं ना, आप लोग जाके कम से कम बाहर बेल कराइए, सरकार को संदेश दीजिए कि हमारा सारे लोगों को हम वापस किए। तो ऐसा आपका जिला अध्यक्ष भी है, गोलू जी का मतलब आनंद कौशल इतना समझ के चलिए, भेदभाव में मत पड़िए कि राजपूत है, भूमिहार है, ये जादव है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ऐसा नहीं। जो मेरा जिलाध्यक्ष है वो मेरा जिलाध्यक्ष है, हम उसके बारे में कोई शिकवा शिकायत नहीं सुनना चाहते हैं। आपके पास पावर है, आप कमेटी में बैठक करिए, जिला कमेटी में बैठक करिए, सभी प्रखंड के अध्यक्ष प्रस्ताव पारित कर दीजिए कि जिलाध्यक्ष गोलू जी नहीं रहेंगे, वो क्या कहते हैं उसको, कोई दूसरे प्रखंड के अध्यक्ष रहेंगे, बना दीजिए उनको अध्यक्ष। शिकवा शिकायत नहीं पड़ना है, जान पर खेल के जो लोग काम करता है उससे कुछ गलतियां भी हो जाएगी। आनंद कौशल भगवान नहीं है, आपके जैसा एक साधारण शिक्षक गरीब किसान का बेटा है, कोई ट्रेनिंग लेके आए नहीं संगठन चला रहे हैं, गोलू जी कोई संगठन चलाने का ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, या हमारा कोई प्रखंड अध्यक्ष भाई कोई ट्रेनिंग लेके नहीं आया। गलती सबसे हो सकती है, गलती पर ध्यान आकृष्ट कराइए, माफी देने का क्षमता रखिए, और हम सभी शीर्ष पर बैठे लोगों से भी अपील करें सुनने का क्षमता रखिए। आनंद कौशल 4 लाख भाई बहन की आवाज को सुनता है, कुछ लोग कुछ भी बोल जाते हैं उसको भी सुनते हैं, सुनने का क्षमता रखें, बोलने दीजिए। नीतीश कुमार के जैसा क्या करना, तानाशाही चलाना चाहते संगठन, आवाज किसी का घोटने का कोशिश मत कीजिए, चाहे वह प्रखंड कमेटी का हो, जिला कमेटी का हो, कहीं का भी हो, उनको बोलने दीजिए, सुनिए, सुन के उनका समाधान कीजिए। हमको पूरा विश्वास है कि अगले बार जब हम आएंगे तो ये प्रखंड स्तर ये कमेटी का बैठक चल रहा है इतना सारा लोग, और अगले बार कमेटी का बैठक हमको लगता है यह सम्मेलन और कीजिए, कुछ दिन के बाद तो आम शिक्षक आएंगे तो कहां बिठाइएगा, इतना संघ का पदाधिकारी है मोतिहारी में। हमको बहुत विश्वास है आप लोगों के एकता पर, और हम गोलू जी से भी विनम्र प्रार्थना करेंगे कि संगठन को समझिए। आपको ट्रेनिंग है चाहे नहीं है, लेकिन 20,000-15,000 शिक्षक आपके ऊपर आशा और विश्वास रखा हुआ है, आपको ट्रेंड होना होगा। हम लोग भी ट्रेंड हुए हैं, हमको भी कुछ आता नहीं था, सब चीज सीखे हैं, क्योंकि जिस पद पे हम बैठे हैं उस पद का निर्वहन ईमानदारी से करने के लिए हर चीज को सीखना, हर काम को जानना होगा, और वह सीखने के बदले अलग से वेतन भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो फूल का माला मिलता है इसका कोई मोल लगा सकते हैं, इसका मोल लगा दीजिए। मैं जान कर यहाँ
दूंगा, अपना गर्दन काट के रख देंगे, इसका कीमत लगा दीजिए, कोई पैसा वाला है तो खरीद के बता दीजिए। यह अनमोल है साहब, इस सम्मान के लिए न्यौछावर हो जाने का जो क्षमता रखेगा वही इस संगठन में संघ के किसी पद पर रहेगा। यह सीधा संदेश है, यह सम्मान अनमोल है, यही सम्मान मिलेगा। आप एक शिक्षक होके हम जैसे लोग को प्रणाम करते हैं, हमारे पास हम बीए है ट्रेंड है, इधर एमए पास लोग करते प्रणाम से, क्या मतलब है? अनमोल सम्मान है। इस सम्मान के महत्व को समझिए, प्रखंड कमेटी के साथ ही समझिए, जिला कमेटी के साथ ही समझिए, राज कमेटी के साथ ही। जो शिक्षक आम शिक्षक है उनका मालिक बनने का कोशिश मत कीजिए, उनका सेवक बन के अगर संगठन में रह सकते हैं तभी संगठन में रहिए, अन्यथा संगठन से चले जाइए। कुछ बातें हैं जो एकदम अकाट्य है, जब तक हम अध्यक्ष हैं संगठन के इस संविधान से कोई बाहर नहीं जा सकता है। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आपको संगठन से खेलने का इजाजत भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये संगठन को आज मोतिहारी में इतना, कल गोली जी गए हमारे साथ 100 किलोमीटर दूर से चल के, शुक्रवार था स्कूल था, बेतिया में भी लोग बैठक में आए 5 बजे 6 बजे तक 7 बजे तक बैठक हम लोग। फिर आपके जिला के एक भाई थे जिनके पिताजी का निधन हो गया था, उधर सूचना हमको कल देर रात मिली, तो हम आपके जिला में थे दुख के समय में, उनका ढांढस बजाने भी चमचम दुबे सर, क्या नाम था उनका, जिनके यहाँ रात में जाओ चमचम दुबे सर, उनके घर पे गए, उनके पिताजी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। भाईचारा बनाना पड़ेगा हमको, यहाँ पे एकता, घर में दो भाई है लड़ जाता है छोटा सा जमीन का टुकड़ा के लिए, हम लोग यहाँ पे सभी धर्म के लोग एक साथ हैं, लोग इसमें आग लगाने का कोशिश भी कर रहा है, तो हमको इन तमाम तरह के गतिविधि में शामिल होकर अपने भाईचारा को बना के रखना पड़ेगा। इसलिए हम आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करते हैं, बड़ा संघर्ष के तरफ हम लोग बढ़ गए, 14-15 साल में आनंद कौशल जेल का सफर कर लिया, तो समझिए आने वाला रास्ता और मुश्किल होने वाला है, आने वाला संघर्ष और कठिन होने वाला है। इसलिए आनंद कौशल और मजबूत, अब तो एकदम सर पे कफन बांध के चल रहे, जान हाथ पे लेके चल रहे, जिधर मन सरकार आ जाओ, जिधर मन जिसको है आ जाओ, गाड़ी में बोझ लगा है पूरा, निपटने के लिए हम तैयार हैं। आपके लिए किसी भी समय जान कुर्बान कर देने के जज्बा के साथ आनंद कौशल अब संघर्ष में चल रहा है। इसलिए आप लोग बुलंदी से रहिए, राज कमेटी के द्वारा कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे प्रखंड कमेटी के साथी, आम शिक्षक भाई बहन, जिला कमेटी के साथी का कभी सर नीचा होगा। हम हर ऐसा कोशिश करेंगे कि अपने जान पर खेल के आपके सर को ऊंचा करने का प्रयास करें, शिक्षकों के हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करें, और आपसे कोशिश यही रहेगा कि आपसी भाईचारा बना के रखिए, किसी के बहकावे में अगर हम भी फोन करके किसी प्रखंड अध्यक्ष को बोले कि भाई गोलू का विरोध करो, संरक्षक महोदय है क्या नाम सर का नाम है, हाँ देखिए थोड़ा सरकार इतना सताया है कि थोड़ा भूल जाते हैं, तो बुरा मत मानिए, यही ना सोचिएगा कि आनंद बड़ा नेता हो गया आप पिंटुए सर का नाम भूल गया, ये बात नहीं, बड़ी जुल्म किया है ये, हाजत में भगवान न करे कभी रहिएगा, लेकिन इतना हजारों लाखों तरह तरह का मच्छर काटा है कि पता नहीं क्या क्या दस कब चला जाए, इसके लिए आप लोग बुरा मत मानिएगा। ये बेचैनी है हमारे अंदर का कि हम जान से भी प्रिय अपने भाई का नाम अगर लेते समय भूला जा रहे हैं, तो ये तानाशाह सरकार का देन कि जो हमारा इस तरह का हालत किया है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन आपको कहे कि कोई भी लोग कहे कि पिंटू सर का विरोध करिए, हम राज के अध्यक्ष हैं तो मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि राज के अध्यक्ष हैं तो यहाँ आके मोतिहारी आप नहीं चला देते, इसलिए हम लोग संगठित हैं, राजनीति मत कीजिए, हमको संगठित रहने दीजिए। और हम देखना चाहते हैं मोतिहारी जिला में सब संगठन खत्म हो जाना चाहिए और सिर्फ आप और आपके संगठन के लोग शिक्षक के सेवक के रूप में नजर आने चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए और बर्दाश्त करके चलाइए, हम बहुत बर्दाश्त करते हैं। हम अभी इधर आपके बीच में हैं, अब जब से जेल गए हैं पत्नी का बहुत सख्त पहरा हो गया है, कहीं जाने आने नहीं दे रही, मेरी पत्नी का हिंदी थोड़ा ठीक है, तो अभी भी हम आपके बीच में बैठ के कुछ काम कर रहे थे लिखा पढ़ी करके, तो उनको भेजे कि जरा इसको देख लीजिए कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गया, हमारी पत्नी अभी टीचर है और उनका बड़ा सहयोग मिलता है हमको, जब कहीं भी रहते हैं तो कुछ भेज देते हैं, तो उधर से वो उसको सुधार के भेज देते हैं। अभी जब भेजे हैं तो 2 दिन से बात भी नहीं कर रही है, आप भेजे हैं तो उधर से आंख जो है लाल पीला वो नहीं होता व्हाट्सएप में, वो करके उधर से भेज दिए है, लिखिए कि हमसे नहीं हो, तब फिर हम प्रकाश जी को दिए हैं कि भाई जरा इसको देखिए सुधारिए, तो ये समझाते भी है फिर वो समझती भी है, और उनके बदौलत ही हम संघर्ष कर पा रहे हैं।
वो अगर हमारा साथ नहीं दी होती तो आपका भाई इस तरह से, मेरा भी दो बच्चा आखिर वो उसकी जिम्मेवारी उठाई है, उनको देख रही है, उनको पढ़ा रही है, उसी भी पारिवारिक प्रेम में हम फंस जाएंगे तो हम भी नहीं कर पाएंगे, यह बहुत बड़ा सच है। लेकिन आज हम खुलेआम इतने साल से अगर आपके लिए जान पर खेल के काम कर रहे हैं तो इसलिए उनका बड़ा योगदान है। तो थोड़ा आग लाल पीला करती है तो उसको झेलना है, कोई उपाय भी नहीं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ आए, मेरे जैसा साधारण आदमी को इतना समय दिए, रात में बहुत अच्छा से हमारा मान सम्मान रखे, और सभी लोगों को मेरा हृदय से आभार। और संतोष कुमार सिंह रामगढ़वा प्रखंड संयोजक ना, आज इनको जिला कमेटी ने फैसला लिया है कि रामगढ़वा के में अपना कमेटी नहीं था, वहां पे तत्काल कमेटी का निर्माण करने के लिए संतोष कुमार सिंह जी को प्रखंड संयोजक के पद पे ये करना चाहते हैं। हम चाहेंगे हृदय से संतोष जी इसको स्वीकार कीजिए, प्रतिभा के धनी हैं, हम लोग कम धनी हैं आपसे प्रतिभा में, इसलिए कभी गलती हो जाए तो बुरा नहीं मानना है उसको, सबको मिला के चलना है। दूसरा भाई है कि देखिए सरकार कहता है कि हमारे अंदर प्रतिभा नहीं है, एक से एक प्रतिभा, अभी देखिए सर आपके कितना अच्छा गीत प्रस्तुत किए आपके, देखिए पूरा बिहार, हमारे सोना के पापा कहाँ, इधर आइए। अगर हम कह दे कि पूरे बिहार में जो इधर आइए पूरे बिहार में अगर शिक्षक आज संगठन से इतना प्रेम कर रहा है तो उसमें खाली आनंद कौशल है, ऐसा बात नहीं। ये सब सोना के पापा जैसा लोग जो साधारण पद पे रहे हैं और दिन रात एक से एक गीत आपको प्रेरित करना पड़ता है, और प्रेरित करने में ऐसे भाई जो है मील का पत्थर साबित होते हैं। हम आजीवन जब तक जिंदा रहेंगे इन जैसे भाइयों का आभारी बने रहेंगे या अपना स्पर्श। और एक बात जान लीजिए, ये बोल नहीं दिए कि आभारी बने रहेंगे, ये हमारा वचन ही जीवन है। आनंद जो बोल दिया उसको पूरा करने के लिए सर भी कटाने के लिए हर हमेशा तैयार रहता है, तो जो बोल दिया तो बोल दिया, इसलिए इस पर कभी संशय नहीं रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत आभार खास करके जिला अध्यक्ष महोदय का, जो 24 घंटा पहले हम इनको खबर किए कि हम मिलना चाहते हैं, आप प्रखंड कमेटी के सभी साथी, जिला कमेटी के सभी साथी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, इन्होंने यह अवसर हमको प्रदान किया। प्रकाश जी और पूरा साथी मधुरेंद्र यादव जी और सब लोग, जिला कमेटी जितेंद्र राम जी और राम बाबू जी, सुधीर जी और प्रकाश नारायण जी गोपालगंज से, सब लोग यहाँ चल के आए, हमको हिम्मत दिए और आशीर्वाद दिए, इसके लिए हम आप लोगों का सदैव आभारी बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ, जय मोतिहारी।